हमारी माता बहना जो यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं उनका भी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। घटना खड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी पवन साहब आज खड़े डॉक्टर साहब पवन साहब कैसर बाबा हमारे मौलाना है हमारे पैसे गिराने वाले पैसे की कमी नहीं पड़ेगी हमारे सर पैसे गिराने वाले बाबा साथ में थे अपने को एमआईएम वालों को तुम्हें भाजपा वाले पैसे दे रहे और इसलिए आपने इनको भी लेके आया कि चलो हमारे उनके पार्टनर का नाम दिए दिन भर सुबह में जाती 6 बजे आती 12 बजे फिर 2-3 घंटे रहती शाम तक आती आती नाइट आई 15-20 मिनट तक। ये ठेकेदारों ने ये हालत कर दी। ये एल्गार यात्रा का घूमने का मतलब ही यही है। मतलब वो है कि भाई आने वाले अभी हम कोई वोट मांगने नहीं आए कोई इलेक्शन नहीं है ना लोकसभा है ना विधानसभा है ना महानगर पालिका है कोई इलेक्शन नहीं मगर हमारे नेता लोगों ने जो हालात खराब हो गए देश के हमारे जिलाध्यक्ष सत्तार साहब हमारे वजीर आजम के पूछना चाहता हूँ कि क्या मिला इसमें से आपको 4 साल में क्या मिला किसको क्या मिला। अच्छे दिन लाने वाले थे सबके खाते में पैसे डालने वाले थे। मुझे आपसे आपको याद दिलाता हूं मैं कि जो इंसान वहां वजीर आजम वहां बैठा है पंतप्रधान बन के वहां बैठा है अरे वो अपने खुद के बीबी को संभाल नहीं पाया तो आपको क्या संभालेगा। चुनाव नहीं है हम वोट मांगने के लिए आपके पास आए नहीं हम तो आपको याद दिलाने के लिए आए हैं कि 4-4.5 साल हो गए इधर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का सरकार है। अब पहले 1-2 साल कुछ बात नहीं किया मेरे भाइयों इसीलिए हम ये सब एल्गार यात्रा चल रही है। अभी हमारे जो मेरे को प्रयोजक से बोलने का मौका दिया ये प्लॉट तूने लिया उसने लिया उसने लिया और ये लेकर के ये बस्ती बनी। इतने बड़े मसले हैं 25-30 साल के अंदर 25-30 साल से ये कारपोरेशन महानगर पालिका शिवसेना और बीजेपी के हाथ में है लेकिन इनको कोई लेन देन नहीं है। फिर भी ये मुहूर्त देखने वाले आदमी है आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे लेकिन करने का नाम नहीं लेते कब करने बड़ा बड़ा के और आखिर में क्या बोले 5 रुपए हम कम करते हैं। उस टाइम 5 बढ़ाए थे कि फिर से देश की सरकार वही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के हाथ में जाना चाहिए। ये सरकार ने नोटबंदी की मैं नोटबंदी के बारे में आपको 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी मालूमात दूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा अगर कोई होगा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने बताया कि फायदा किसी का नहीं हुआ फायदा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को चूरा कर लिया और असली नोट जितने छापने थी उतनी छाप लिया। जिसको जो अपने आप पे इतना ये हो गया है गुरु हो गया है कि हैदराबाद के लोग बोला मेरी मुट्ठी में है यहाँ का मुसलमान किसकी मुट्ठी में नहीं रह सकता वो सिवाय अल्लाह ताला की ही मुट्ठी में रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो अपने बातों से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के जो ग्रामीण भाग में रहते हैं जो छोटे छोटे देहात में रहते हैं उनकी संख्या क्या है वहाँ का कितने लोग रहते हैं और वहाँ भी अगर इस तरह का जातिवाद हुआ तो वहाँ के लोगों को संरक्षण कौन देगा ये भाईचारा खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये भाईचारा इसलिए खत्म हो जाएगा कि जब तक तुम और हम और हमारे गिंदू बेटे या भाई हम एक सनात एक बात एक आवाज नहीं निकालेंगे एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करेंगे एक दूसरे के समाज की भावनाएं नहीं समझेंगे एक दूसरे के दुख सुख नहीं बांटेंगे तब तक भाईचारा नहीं बढ़ेगा। और भाईचारा उस दिन बढ़ेगा कि जब जात के नाम पे धर्म के नाम पे जरूर अपना इस्तेमाल करो। मुस्लिम है वो अपने अपने जब भी नमाज को जाएगा वो उसका काम करेगा हिंदू है मंदिर में जाएगा दलित भाई है वो बौद्ध विहार में जाएगा वो अपने अपने धर्म का काम करेगा। लेकिन जब चुनाव आएगा तो सबको हमको एक संगत आना होगा और ये जातिवादी ताकत से अगर लड़ना है तो हमारे सेकुलर वोट फूटना नहीं चाहिए। हमारे सेकुलर वोट एक बार फूट गए तो फायदा किसका होगा आप लगा लो अंदाजा
कि सेकुलर कोर्ट के अंदर अगर बंटवारा हो गया तो फिर ये जातिवादी ताकत फिर से और आपके नए 5 साल के लिए तुम्हारे और हमारे बीच सत्ता पे जाएगी, और उसके बाद फिर ये डॉक्टर बाबा साहब जी की जो घटना है वो भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तुमको हमको बोलने का हक जो मिला है वो भी नहीं रहेगा, और ये रखने के लिए क्योंकि ये जो आदमी बैठा है वहाँ जो पंतप्रधान जी है हमारे, वो कोई लोगों के लिए नहीं है, वो अकेला आदमी है, एकता जीव सदाशिव, वो अकेला आदमी फैसला लेता है, जब दिल बोले जब लेता है, जैसा लेना चाहे वैसा लेता है, कोई लोकशाही नहीं है। जिस खाते का निर्णय होता है उसके मंत्री को भी कुछ के सामने आए और भाई और बहनों बोले कि लोगों को छाती में ऐसी धड़कन बढ़ती है कि क्या नई आफत लाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये चमत्कारी, और जब तक ये तूफान शांत नहीं होता तब तक उन्होंने अपने उस पेड़ को पकड़ के रखा, और जब ये तूफान शांत हो गया उसके बाद वो पेड़ को छोड़ दिया, अपने कपड़े झटक लिया और उनके साथ जो दो साथी थे उनको बताया, देखो बोले भाइयों ये तूफान के वक्त अगर मैं नहीं होता तो ये झाड़ के क्या हाल होते, ये झाड़ को तो मैंने पकड़ा इसके लिए, ये इसको बचाया वो तो चले गया, वो बोला मैंने ये झाड़ को बचाया, ये कुर्बी और चर्बी उतारने के लिए ये ताकत तुम्हारी वोट नहीं है, रस्ते नहीं है, कचरा नहीं है, ये महापालिका के अंदर अगर आपने देखा है ऐसा आ गया है उस औरंगाबाद शहर के क्या हाल हो रहा है, कैसे हाल हो रहे हैं, अगर ये देखा तो पीने के लिए पानी नहीं है, कई बस्तियों के अंदर रोड और रास्ते नहीं है, जो मेन रास्ते है उसको इतने खड्डे है, रास्ता खड्डे में के खड्डा रास्ते में है, ये दिखाई देता नहीं। आप सोचो तो एक तरफ पीने के लिए पानी नहीं है, रोड नहीं है, रस्ते नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, कई छोटी छोटी बस्तियों में आज हमने जो हमारी सरकार थी तब इनको समांतर लाइन का पैसा दिया है, उसका ब्याज खा रहे हैं लेकिन वो खर्चा नहीं करते और पैठन से पानी नहीं लाते। आप सोचो पान के खाने के लिए रात में उनके पास तलवे चाटने के लिए इनके पास पूरा वक्त है, लेकिन गरीब भाई के लिए खाने के लिए क्या है उसको देखा नहीं जा रहा है। मैं कोई उनके खिलाफ में यहाँ बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन जब शिवसेना और भाजपा को हम बोलते हैं तो ये विरोधी पक्ष का जो अपना फर्ज है वो भी वहां पूरा नहीं करते, वहां तो यही है आओ चोरो बांधो मारा, आधा तेरा आधा मेरा। मैंने पहले इसलिए बताया हूँ कि यहाँ की जो सरकारें हैं जो मुंबई की सरकार है, आपने शिवसेना का नारा देखा होगा कि हम जनता लतीफ खान को माननीय अब्दुल सत्तार साहब के हाथ से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।